पेरिस ओलंपिक आगामी 26 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। भारत ओलंपिक में 117 खिलाड़ियों का दल भेज रहा है। भारत की ओर से 6 तीरंदाज पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगे। भारत की तीरंदाजी टीम तैयार है पेरिस ओलंपिक में अपने खेल की चमक बिखेरने को। पेरिस 2024 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 25 जुलाई से तीरंदाजी की प्रतियोगिता से करेगा, जिसके लिए टीम के सभी खिलाड़ी खुद को तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस बार भारत की ओर से 6 तीरंदाज ओलंपिक्स में रिकर्व स्पर्धा में अपनी दावेदारी पेश करेंगे, जिसमें पुरुष वर्ग में धीरज बोमा देवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण रमेश जाधव शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग में भजन कौर, अंकिता भगत और दीपिका कुमारी का नाम शामिल है। ओलंपिक्स में जहां एक ओर दीपिका कुमारी और तरुणदीप राय जैसे अनुभवी तीरंदाज अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे, वहीं इस बार प्रवीण जाधव, धीरज बोमा देवरा, भजन कौर और अंकिता भगत जैसे खिलाड़ी अपने खेल का हुनर मैदान पर दिखाएंगे। 40 वर्षीय तरुणदीप राय ने एथेंस 2004 ओलंपिक में अपना डेब्यू किया था। वे लंदन 2012 और टोक्यो 2020 में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तरुणदीप अब एक बार फिर ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार हैं। वहीं अनुभवी तीरंदाज दीपिका 2012 लंदन ओलंपिक से लगातार इन खेलों में हिस्सा ले रही हैं। दीपिका ने शीर्ष रैंकिंग के साथ लंदन ओलंपिक में हिस्सा लिया था, हालांकि वे पदक जीतने में असफल रहीं। रियो ओलंपिक में भी उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा था और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। दीपिका ने टोक्यो ओलंपिक में भी विश्व की नंबर एक तीरंदाज के तौर पर जगह बनाई थी और भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज थी। उन्होंने महिला व्यक्तिगत रिकर्व और प्रवीण जाधव के साथ मिक्स टीम इवेंट में हिस्सा लिया था। महिला वर्ग में दीपिका पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची थीं, हालांकि उनका सफर अंतिम 8 में ही समाप्त हो गया था। वहीं मिक्स टीम इवेंट में भी वे क्वार्टर फाइनल की बाधा पार नहीं कर सकी थीं। पेरिस रवाना होने से पहले खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद के दौरान दीपिका ने उम्मीद जताई कि पेरिस ओलंपिक में वे अपने पिछले अनुभव के साथ उतरेंगी। सर बहुत खुशी है और कि ये चौथा ओलंपिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और यस काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंट के साथ रिप्रेजेंट करूँ और अपना 200% दूँ। इन अनुभवी खिलाड़ियों की लिस्ट में प्रवीण जाधव का नाम भी शामिल है। भारतीय तीरंदाजी दल में शामिल प्रवीण जाधव इस बार दूसरी बार ओलंपिक में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इससे पहले प्रवीण जाधव ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था, लेकिन वे पदक जीतने से चूक गए थे। इनके अलावा धीरज बोमा देवरा इस बार ओलंपिक में डेब्यू करेंगे। धीरज ने पिछले साल बैंकॉक में एशियाई क्वालिफायर से व्यक्तिगत पुरुष कोटा हासिल किया था। वहीं पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली महिला तीरंदाज भजन कौर तीरंदाजी ओलंपिक क्वालिफायर में व्यक्तिगत महिला कोटा हासिल करने में सफल रही थी, जबकि अंकिता भगत ने ओलंपिक क्वालिफायर में फिलीपींस की गैब्रियल मोनिका को हराकर पेरिस ओलंपिक के लिए अपना टिकट कटाया था। ओलंपिक खेलों में भारत का पुराना इतिहास रहा है। भारत ने तीरंदाजी में पहली बार 1988 में सियोल ओलंपिक में हिस्सा लिया था। साल 1992 में बार्सिलोना में हुए ओलंपिक में भारत की ओर से लिम्बाराम पदक के करीब पहुँचे थे, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली और वे मेडल नहीं जीत सके। बहरहाल इस बार भारत की ओर से 6 तीरंदाजों का दल पेरिस ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार है। वहीं खेल प्रेमियों को भी इस बार तीरंदाजी दल से पदक की पूरी उम्मीद है।